بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. अब तक हमने जो लेसन्स कवर किए उसमें सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन था और उसके बाद फिर हमने जो कलेमा था, जो यूनिट है बेसिकली अरबी का वर्ड, उस वर्ड को हमने उसकी टाइप्स को देखा, नाउन, वर्ब और पार्टिकल. नाउन इस्म और वर्ब फेल और पार्टिकल जो है हर्फ जो है उनको हमने देखा. इसके बाद फिर हमने इसम की जो है आगे फर्दर डिवीजन की, प्रोनाउंस पढ़े. प्रोनाउंस फिर हम पहले हमने अटैच्ड प्रोनाउंस और फिर अनअटैच्ड प्रोनाउंस. अनअटैच्ड प्रोनाउंस जिनको हमने ज़मायर मुनफसर का वो पढ़े और उसके बाद फिर अटैच्ड प्रोनाउंस जो है ज़मायर मुतसर का वो पढ़े. आज हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम वर्ब और नाउन बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे इंशाल्लाह. बेसिकली जो कलिमात हैं, जो कलिमा जिसको हमने कहा था अरबी के अंदर, ये कलिमा बेसिकली इसकी तीन जो टाइप्स हमने बनाई थी, इसम, फेल और हर्फ. अरबी में जो हर्फ हैं ये गिने चुने हैं और इनके लिए कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी बेस पर आप इसको नए बना सकें. ये फिक्स्ड हैं, बने बनाए हैं, तकरीबन 100+ हैं और वो अगर आपको याद हो जाए तो पूरी अरबी के अंदर जो हरूफ हैं, पार्टिकल्स हैं, वो कवर हो जाएंगे. अलबत्ता जो फेल हैं इनको आप खुद से बना सकते हैं, मतलब एक भी आपको रूट लेटर मिल जाते हैं, अभी रूट लेटर को मैं इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ, अगर वो मिल जाते हैं तो आप इससे खुद एक स्ट्रक्चर याद हो जाए तो आप किसी भी हर्फ को उठा के, किसी भी कलमे को, किसी भी लफ्ज़ को उठा के आप नए नए वर्ब बना सकते हैं. इसी तरह इसम का हाल है. इसम में दो टाइप्स हैं, एक वो जो फिक्स हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, डिक्शनरी से देखने पड़ते हैं, और एक वो जो फिक्स नहीं है जिनको आप बना सकते हैं, यानी जिनका अगर आप एक रूट लेटर मिल जाए आप लोगों को तो फिर उस रूट लेटर से जो है आप बना सकते हैं. तो बेसिकली हमारी अभी जो प्रैक्टिस होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, इसम और फेल में. तो इनको बनाने के लिए हम अरबी अल्फ़ाबेट जो हैं जैसे अली बा ता फा जीम, इनको यूज़ करेंगे. तो वो जो यूज़ किए जाते हैं उसके लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है, उस स्ट्रक्चर के लिए जो बेसिक लेटर यूज़ किए जाते हैं उसको रूट लेटर कहते हैं. रूट लेटर को अरबी में कहते हैं हरूफ असली, यानी वो हरूफ जो असली हैं जिनको बेस बना के हम बना सकते हैं. मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे फिर हम इसको हरूफ असली की तरफ आते हैं वापस. जैसे आपके पास है, आपको इल्म होगा, ये बात आपको मालूम है, और एक आलिम ही ये बात बता सकता है, और आपने आलिमा सुना होगा, यालम अरबी में आता है और इसी तरह यालमाना भी अरबी में आता है और मालूमात भी आता है, मालूमात भी अरबी में आता है. अगर आप इन सब अल्फाज को देखें गौर से, आलिमा है, यालम है, मालूम है, इल्म है और मालूमात और यालमून है, तो इन सब में एक कॉमन जो अल्फाज हैं वो आपको मिलेंगे, आइन, लाम और मीम, आलिमा, इल्म. ये रूट लेटर्स हैं बेसिकली, इनको अरबी में रूट लेटर्स कहा जाता है, जिसको मैंने अभी आपके सामने हरूफ असली से का नाम दिया, रूट लेटर्स. इनको अरब के जो एक्सपर्ट हैं इन्होंने इसको अलग अलग नाम दिया. फर्स्ट ये तीन हरूफ हैं बेसिकली, कोई भी इसम बनेगा, कोई भी फेल बनेगा, इसी तरह बेसिकली स्टार्ट तीन से होगा जो हम बना सकते हैं, जिनकी नई शेप्स में ढाल सकते हैं, जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको जो है इन्हीं तीन से बनेगा, इससे कम नहीं होगा. अगर कम होंगे तो फिक्स होंगे, इनको हमें याद करना पड़ेगा, वो हम बना नहीं सकते. मिसाल के तौर पर आइन है, इसको वो कहते हैं फा कलेमा, फा कलेमा, इसको आइन कलेमा कहते हैं, इसको कहते हैं लाम कलेमा. तो इससे जो बनता है वो बनता है फाला. इसको बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर अरबी में हरूफ असली के तौर पर यूज़ करते हैं. हम इसको नाम देंगे आगे भी जाके, जब हम कहेंगे कि मिसाल के तौर पर खलाका, तो खलाका में अगर हम गौर करें तो खलाका में फा कलिमा है खा और आइन कलिमा है लाम और लाम कलिमा है काफ. खलाका, खा, लाम और काफ, खलाका, तो ये हरूफ असली हैं, रूट लेटर्स. इनको बेस बना के आप कई अल्फाज बना सकते हैं आगे. कैसे बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे बनाया जाएगा, उसके रूल्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये
मिसाल के तौर पर आपके पास इल्म था, इससे आपने बना दिया आलिम, इससे आपने बना दिया मालूम, इससे आपने बना दिया मालूमात। ये सब बनाने के रूल्स हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आलिम मालूम मालूमात, इसी तरह आपने बना दिया यालम। ये सारे, ये जो बेसिकली नाउन है ये वर्ब है, यालम आलिम तो मैंने जाना, ये है आपके पास फेल। या आपने आलिम, आपको रूट लेटर मिला है, इसको आप बेस बना के ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। अच्छा, अब ये बनाने के रूल्स क्या हैं, उनकी तरफ जाने से पहले और उसको डिस्कस करने से पहले हम एक और बात बताता चलूँ, जिसको अरबी में इसको इन सब को कहेंगे सीगा। सॉरी, लिखा सही नहीं जाएगा, सीगा सीगा। इसी उर्दू में इसको लफ्ज सियागत भी इस्तेमाल होती है, सियागत सीगा। तो इन सब को सीगा कहेंगे, सीगा बेसिकली कहते हैं शेप को, जो सारी शेप्स हैं अलग अलग, इनको हम अलग सीगा कहेंगे। सीगा सीगा क्यों कहते हैं बेसिकली, लेकिन सागा या सीगा होता है, जैसे आप सोने को पिघलाएं और पिघला कर आपने एक सांचा बनाया होता है, एक फर्मा बनाया होता है, उसमें आप डालते हैं, उससे कंगन बन जाते हैं, उससे आपकी बालियां बन जाती हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें। आप ईंटें बनाना चाहें तो उसके एक फर्मा होता है, तो उससे बनाते हैं। तो इसी तरह इसको हम, इसको सीगा यानी इसमें जब आप एक सांचा मिलेगा, एक स्ट्रक्चर मिलेगा, तो उसमें आप ढालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वर्ड्स बनते चले जाएंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली फाला का। ये फाला, इसको हम वजन कहते हैं अरबी में, इसको वजन कहते हैं बेसिकली। आप इस वजन कह सकते हो सांचा, फर्मा इसको आप कह सकते हो, जिसमें आप चीज़ें डालते हैं और वो बन जाती हैं, जैसे मिट्टी के फर्मे बने होते हैं, मिट्टी के सांचे बने होते हैं। तो ये जो वजन है ये यूज होगा, तो हम इसका वजन निकालते चले जाएंगे हरूफ असली के थ्रू। तो किसी भी हर्फ के हम हरफ असली निकालेंगे, उन हरफ असली से हम आगे फर्दर हरूफ बनाते चले जाएंगे। हम सबसे पहले इसमें फाइल बनाते हैं, इसम को बनाना सीखते हैं, हम सबसे पहले इसमें फाइल बनाना सीखते हैं। इसमें फाइल क्या होता है, ऐसा इसम जो करने वाले को बताते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि पैदा करना है, जैसे खल्क है, खल्कुन, खल्कुन कहते हैं पैदा करना, पैदा करना। आप कहते हो पैदा करने वाला, तो पैदा करने वाला कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए फा कलिमा, उसके बीच में अलिफ लगाएंगे और फिर उसके बाद आइन कलमा और आगे लाम लगाएंगे। इसको फिर जेर जब लिखेंगे फाइलून, अब इसको लिख दूंगा मैं फाइलून। अब आप देखें कि फाइन लाम, ये जो कलिमात हैं फाइन लाम, फाइन फाइन लाम, अब फाइलून, इसमें फाइल करने वाला, करने वाला, इस फाइल का मतलब होता है करना, करना। अब इसी की जगह पे अगर हम खलका से बनाना चाहें तो इसकी इसी ही की जगह पे अगर हम रख देंगे खालिकुन, बीच में हमने अलिफ लगा दिया खालिकुन, रूट लेटर्स वही थे खा लाम का, फा की जगह खा लग दी क्योंकि फा कलमा है ये, इसको फा कलमा के साथ अटैच कर दिया और लाम को ऐन कलमा के साथ और खा को फा लाम कलमा के साथ, तो खालिकुन, खालिकुन पैदा करने वाला। इसी से आप बना सकते हैं आलिमुन, इसी से आप बना सकते हैं इल्म से आ गया, इसी से आप बना सकते हैं काशिफुन, खोलने वाला, फातिहुन, फतह करने वाला, वारिबुन, मारने वाला, वारिबुन, मारने वाला। इसी से आप बना सकते हैं जाइलुन, बनाने वाला। इसी तरह आप बना, ये सारे हरूफ जो हैं आप इससे बना सकते हैं। तो इसको इसमें फाइल कहते हैं, इसमें फाइल करने वाला। तो क्या होगा, फा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा, बीच में अलिफ लगा देंगे फाइलुन, खालिकुन, आलिमुन, काशिफुन। अच्छा, अब हम इससे डुअल बनाना चाहते हैं तो इसके आगे हम लगा देंगे नून साकिन, ये वारिबानी जाइलानी, यानी आगे अलिफ नून लगा देंगे, नून के नीचे जेर, जेर जाइलानी, दो बनाने वाले, फातिहानी, फातिहानी, दो फतह करने वाले,
इसी तरह आप कह सकते हैं आलिमाने, दो आलिम, आलिमाने। अच्छा, अब आग अगर बनाना चाहते हैं इससे आगे, इसी जाहिल उनसे जमा बनाना चाहते हैं तो उसके आगे वाव नून लगा दें, जाइलूना वाव नून, जाइलूना बनाने वाले। इसी तरह आप कहते हैं खालिकूना, इसी तरह आप कहते हैं आलिमूना, काशिफूना। ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा, आप बना लें। अब हम इसको एक दफा समरी इसकी कर लेते हैं। इल्म है, इल्म के हुरूफ लेटर्स हैं, और हुरूफ असली जिसे कहें फाकलेमा, ऐन कलिमा और लाम कलिमा। फाकलेमा, ऐन कलिमा और लाम कलिमा, इसको हमने फ़ैल फ़ाला कहा। इससे अगर हम बनाना चाहें फाइल, इसमें फाइल तो फ़ाइलुन, इसकी जगह पे हम रखेंगे फा की जगह पे रख देंगे ऐन, तो आलिमुन। डुअल इसका होगा आलिमानी, और जमा इसकी होगी आलिमूना। ये आपके पास आ गया इसमें फाइल मुजक्कर के लिए, मैस्कुलाइन के लिए। अगर इसी से मोनस बनाना हो तो कुछ भी नहीं करना, मोनस बनाने के लिए बस इतना सफर करना है आलिमतुन, और इसके अंदर आलिमतानी ता लगा देंगे बीच में, और आखिर में यहाँ पे फर्क करेंगे आलिमतुन। तो आलिमतुन जानने वाली, आलिमतानी और आली आदि मात, सॉरी आदि मात, आली मात। ये बेसिकली हमारे पास था इसमें फाइल, इसमें फाइल कहते हैं करने वाले को, जिसके लिए हमने मुजक्कर के लिए पढ़ा आलिमुन, मोनस के लिए पढ़ा आलिमतुन। तो आलिमुन आलिमान आलिमूना, आलिमतुन आलिमतान आलिमातुन। ये है हमारे पास। इससे अगला जो हमारे पास नाउन है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कवर करेंगे, इसमें मफ़ऊल, इसमें मफ़ऊल जो है जिस पे काम हो रहा हो, जैसे आलिम जानने वाला, तो आलिम जो चीज़ जानता है उसे क्या कहेंगे, तो उसको हम मालूम कहेंगे। तो ये मालूम कैसे बनेगा, एक रब सुब्हानहू तआला की ज़ात है खालिकुन, तो उसने जो पैदा किया है, पैदा किया हुआ, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे मखलूक। इसको यही कवर कर लेते हैं। इसमें मफूल जो है उसको कैसे बनाएंगे, तो वही रूट लेटर्स पे चले जाएं आप। ये रूट लेटर्स हमारे पास थे फा ऐन लाम, इसी जगह आप देखें ऐन लाम मीम इल्म, ये वैसे हम बना सकते हैं खा लाम का खला का, इसे भी बना सकते हैं। तो इसे करना क्या है, शुरू में लगाना है मीम, मीम लगाना है शुरू में, और फिर बीच में वही फा कलमा, और फिर ऐन कलमा, उसके बाद लगाना है वाव, और आखिर में नाम करना है तो मफ़ऊलुन, मफ़ऊलुन। अब इसी की जगह पे अगर हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा मालूम। अब रूट लेटर अगर हम अखलाक खला का लगाएं तो मखलूकुन, इसका मतलब पैदा की हुई, मालूम जानी हुई। इसी से अगर आप और लफ्ज़ बनाएं मजऊल, मजऊल, मजऊल। अच्छा, आपने पता कर लिया उस एरियो क्या कहेंगे मफ्तूह। इससे अगर आपने तस्निया बनाना है वही अलिफ लाम लगा दें, मफ्तूह मखलूकानी मजऊलानी, और जमा बनाना हो तो वाव लगा दें मजऊलूना मखलूकूना मफ्तूहूना। तो फेल इसमें मफ़ऊल, इसमें मफ़ऊल मुज़क्कर के लिए, मस्कुलाइन के लिए मालूमन, मालूमानी,
मून मून। और मोनस के लिए अगर देखा वही सिर्फ आखिर में दाल लगाने, मालूमतन मालूमताने ये आपके पास आ गया। इसमें मफ़ऊल जिस पर काम किया जा रहा हो, जो चीज़ की आपने, आप आलिम हैं तो क्या जाना है आपने, तो उसको आप कहेंगे मालूम। एक दो चीज़ें जानी है तो मालूम माने, ज़्यादा चीज़ें जानी है तो मालूम ना। देखिए जानी हुई औरत है, फेमिनाइन है तो मालूमतुन, दो हैं तो मालूमताने, तो मालूम। इसी की जगह पर आप रख लेते हैं मखलूकन मखलूकाने मखलूकोना, मखलूकतुन मखलूकताने मखलूकात। अगर हम इसी को किसी और एंगल से देखें, एक और बार लफ्ज़ ले लें, मफ्तूहन मफ्तूहानी मफ्तूहोना, मफ्तूहतुन मफ्तूहतानी मफ्तूहातुन। तो ये एक सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए और जमा के लिए जो है ये यूज़ होता है। ये हमारे पास था बेसिकली इसमें फाइल और इसमें फूल। तो आज हमने सबसे पहले देखा रूट लेटर्स को हमने देखा, उसके बाद इसमें फाइल इसमें फूल को देखा। इन दो चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्कस किया। अगले में इंशाल्लाह हम फेल बनाने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले फेल माजी को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।